बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। इसमें मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, इसमें एक छोटा प्याज, 3-4 हरी मिर्चें, हरा पुदीना और हरा धनिया, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और सुर्ख लाल मिर्च और नमक हसबे जायका। आलुओं को मैश कर लेंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। गरम मसाला और खुश्क धनिया है। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हर चीज़, ज़ीरा और ये नमक, आप इसको मिक्स कर लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाला मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको लेके इसकी टिक्कियां बनाती हूँ। ये हम उठाएंगे और इसको राउंड कर लेंगे और ये ऐसे सिंपल। साथियों, अब मैं ऐसे ही ये सारे बना लूंगी, बनाने के बाद फ्राई के टाइम पे फिर मैं आपसे। टिक्कियां मैंने सारी बना ली हैं, कटलेट सारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने 2 एग्स लिए हैं और उनको मैंने फेंट लिया है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। मैंने फ्राई पैन में ऑयल जो है वो डाल लिया है और ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ऐसे ही हम सारे कटलेट्स फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी साथियों, रेडी हैं हमारे कटलेट्स और आलू की टिक्कियां कहें या कटलेट्स रहे, देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मजेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी।
खाइए और पसंद कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।